हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ कुछ अपनी जो कटिंग मैंने लगाई वही शेयर करूंगी। अभी उनकी अपडेट यानी कि अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है, अभी मैंने तो बस एक हफ्ते पहले ही कटिंग्स लगाई है। तो बस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने किस किस चीज़ की कटिंग लगाई है, कौन कौन से प्लांट्स की। तो आप भी अभी लगा सकते हैं, अगर आपके यहाँ थोड़ा मौसम अच्छा हो रहा हो, बारिश एक आध बार हो रही हो, तो आप वो कटिंग को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे हिबिस्कस में कितने सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, बहुत ही प्यारे से। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैंने किस किस प्लांट की कटिंग लगाई है। और कुछ दिनों बाद मैं ये जो हिबिस्कस है मेरे हाइब्रिड वाले, इनकी भी मैं कटिंग लगाने वाली हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा गर्मी का मौसम थोड़ा कम हो जाए उसके बाद मैं इन सब की कटिंग लगाऊँगी, क्योंकि ये प्लांट मुझे बहुत ही, मेरा एक मोस्ट फेवरेट प्लांट है। तो मैं इसकी कटिंग लगाकर इसके कुछ और प्लांट्स बनाने की कोशिश करूँगी। यहाँ से देखिए कितने सारी ब्रांच निकल रही हैं, तो यहीं से मैं इसकी जो ब्रांच है ये वाली, इसको कट करूँगी और ये ऊपर की टिप को लगाऊँगी। तो आपको जितने भी प्लांट की कटिंग लगानी है, आप ऊपर की टिप की लगाइए, अलमंडा की लगाइए तो ऊपर की टिप लगाइए। बीच का क्या होता है, इसका जो ये वाला पोर्शन होता है ये बिल्कुल खाली सा होता है, खोखला सा होता है, और जो ऊपर की टिप होती है ये पूरी भरी हुई होती है। तो आप अलमंडा की जब कटिंग लगाएं तो ऊपर की टिप ही लगाएं, और ऊपर की टिप हमेशा सक्सेस होती है। मैं तो हमेशा ऊपर की टिप लगाती हूँ, ऊपर की जो इतनी ब्रांच होती है उसी की लगाती, चाहे वो हिबिस्कस की हो, चाहे क्रिसेंथियम की हो, चाहे डहेलिया की हो, सभी प्लांट की आप ऊपर की ही टिप लगाएं। कलेंचो की भी ऊपर की ही टिप लगाई जाती है। तो जितने भी प्लांट होते हैं उन सब के ऊपर की जो ये वाला भाग होता है इसी को लगाया जाता है कटिंग के लिए, ये ज़्यादा सक्सेस रेट देता है। चलने को सारे ही चल जाते हैं, लेकिन मुझे जिसका रिजल्ट मिलता है वो सबसे अच्छा ऊपर वाली टिप का ही मिलता है। तो अभी दो तीन दिन पहले मैंने कलेंचो की भी कटिंग लगाई है बहुत सारी, ये देखिए यहाँ से मैंने सबको कट किया था। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको अपनी कटिंग्स। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लगाई है कलेंचो की कटिंग, और मैंने इसको इस तरह के कंटेनर में लगाया है ताकि इसको बाहर से हवा बहुत ज़्यादा या धूप ना लगे, सिर्फ इसमें ऊपर से लगे। और ऊपर से भी आप चाहें तो इस तरह से थोड़ा कवर कर सकते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा हीट और गर्मी रहेगी तो इसमें थोड़ा सा ना जो पॉली हाउस वाला फील है वो होगा। इस अभी सिर्फ गर्मियों में आप ऐसा कर सकते हैं, बाकी टाइम तो ये बहुत आसानी से वैसे भी चल जाती है। मैं तो हमेशा इनकी कटिंग, देखिए मेरे कटिंग से लगे हुए सारे प्लांट हैं, तो इस तरह से आप इनको लगा सकते हैं, और चाहे किसी भी कंटेनर में आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने थोड़ा सा इसको एक नया एक्सपेरिमेंट किया है बस, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ ताकि आप लोग भी कटिंग लगाएँ और गर्मी में जिससे ख़राब ना हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने कोलियास की बहुत सारी कटिंग लगाई। उस दिन आंधी तूफान जो आया था बारिश की वजह से मेरे बहुत सारे प्लांट डैमेज हुए हैं, और मैंने कोलियस की भी सारी कटिंग देखी लगा दी है, और ये लगभग सभी चल जाएंगे क्योंकि एक भी मुरझाई नहीं है कटिंग, वैसे ही हेल्दी है बिल्कुल। और यहाँ पर मैंने क्रोटन की ब्रांच को भी लगा दिया है, ये देखिए इसी के साथ, तो ये भी बिल्कुल हेल्दी है, ये देखिए। तो अभी जो क्रोटन की कटिंग आप रेनी सीजन में लगाइए, बरसात जब शुरू हो जाए तो बहुत अच्छे से चल जाती है। अभी से भी लगा देंगे और छाया में रखेंगे तो भी चल जाएगी वो। तो मैंने तो अभी एक कटिंग लगा दी है, वैसे मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं, मैं इन सबको प्रून भी करने वाली हूँ। यहाँ पर आपको दिखा दूँ मैं, ये देखिए मेरा नागचंपा का प्लांट है जो परसों के तूफान में बिल्कुल टूट गया है। इसमें देखिए तीन ब्रांच थी और सभी में कलियाँ भी आ गई थी यहाँ पर सभी में, और यहाँ पर फ्लावरिंग भी हो रही थी, लेकिन ये पूरी ब्रांच टूट गई है। तो मैंने इसको भी रख दिया है, और इसको दो दिन से हो गया, सूख गया है ये, तो इसको मैं आज सैंड में लगा दूँगी। मैं अपनी कटिंग हमेशा सैंड में ही लगाती हूँ, तो इसको भी मैं सैंड में लगा दूंगी। आप इसको चाहे तो छोटे छोटे पीस भी करके लगा सकते हैं कई कटिंग, लेकिन मेरे पास बहुत सारे प्लांट इसके लगे हुए हैं, तो मैं बस इसको ऐसे ही लगा दूंगी और ये इसी तरह से ग्रो हो जाएगा। ये देखिए इतना बड़ा सा प्लांट है, काफ़ी अच्छा हेल्दी था, देखिए यहाँ कलियाँ भी आ रही हैं। आप चाहे तो इसकी पत्तियाँ हटा कर भी लगा सकते हैं, मैं इसको बस ऐसे ही लगा दूंगी और ये ऐसे ही चल जाएगी। मैं इसकी अपडेट भी आप लोगों के साथ देती रहूँगी। तो अगर आपको इस तरह से कटिंग मिल जाती है तो आप अभी नागचंपा की कटिंग या चंपा की कटिंग भी लगा सकते हैं। मेरी तो टूट गई इसलिए मैं लगा रही नहीं, तो मेरा लगाने का कोई मकसद नहीं था इसको। उसके बाद देखिए मैंने क्रिसेंथियम की कुछ कटिंग्स लगाई थी, और लगभग एक हफ्ते हो रहा है इनको, एक हफ्ते नहीं लगभग 5-6 दिन हो रहा है लगाए हुए, और काफ़ी अच्छे से देखिए बिल्कुल हेल्दी हैं, एक भी कटिंग मेरी मुरझाई नहीं है बिल्कुल भी। मैं इनमें सुबह शाम पानी का एक बार स्प्रे जरूर करती हूँ स्प्रेयर से, और पत्तियों में कर देती हूँ पूरे में सैंड में, ये प्योर सैंड में ही लगे, एक भी कटिंग मेरी मुरझाई नहीं है। देखिए कितने अच्छे हेल्दी ग्रो हो रहे हैं, और छोटे छोटे ग्लासेस मैंने इनको लगा के रखा हुआ, और एक साथ इसमें मैंने ये बास्केट में रख दिया है। ये देखिए इस तरह से जो ग्लास होते हैं डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं उन्हें मैंने इनको लगा के रखा हुआ है, और अब इसकी ग्रीनरी और इसका हेल्दी एंड कितनी हेल्दी है कटिंग। और यहाँ पर कुछ डहेलिया की भी कटिंग मैंने लगा दी है, दो कटिंग मैंने पहले भी लगाई थी तो उनमें तो अब रूट्स भी आ गई होंगी। और यहाँ पर देखिए मैंने हाइब्रिड विनका की कटिंग, मैंने अपने हाइब्रिड विनका जो प्रून किए थे
उन सभी की कटिंग मैंने लगा दी थी। तो कुछ तो मुरझा रही हैं, कुछ में नई नई पत्तियाँ आनी भी शुरू हो गई हैं। देखिए जैसे इसमें पत्तियाँ आने लगी हैं और इसमें भी नई पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पे मैंने एक दो की ऊपर से पिंचिंग भी कर दी है, उनमें भी न्यू पत्तियाँ आ गई थी। तो ये सारी कटिंग मेरी लग जाएंगी। एक दो कटिंग ख़राब हो गई, इसमें बीच में जो कटिंग लगी थी वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने उन सबको हटा दिया। आपको इसको बारिश के पानी से बचाना है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं भरना चाहिए। और देखिए इसको मैंने सैंड में ही लगाया हुआ है, थोड़ी बहुत मिट्टी भी मिक्स है और बाकी सैंड है। ये कटिंग मेरी मुरझा रही है, पता नहीं चलेगा कि नहीं, देखती हूँ शायद चल जाए। और कुछ जेरेनियम की लगाई थी लेकिन जेरेनियम की कटिंग ज़्यादा अच्छे सक्सेस नहीं हुई थी। एक मेरी बहुत अच्छे से ग्रो भी हो गई थी, मैंने उसको रिपोर्ट भी कर दिया था, लेकिन वो भी दो दिनों का इतना ज़्यादा बारिश का पानी उसमें पड़ा कि वो मेरी कटिंग फिर ख़राब हो गई और मैंने उसको हटा दिया। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर भी कलेंचो लगाया हुआ है, ये मैंने पॉइंसेटिया की कटिंग लगाई थी। ये देखिए इसमें न्यू न्यू पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं। और यहाँ पर भी सारी क्रिसेंथियम की कटिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, ये दो गमलों में लगा करके, ये देखिए दोनों ही बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं। उसके बाद मैंने ये वाली फिर लगाई थी और मैंने अभी दो तीन दिन पहले और भी कटिंग लगाई है। देखिए इस तरह के कंटेनर मैंने इसको लगा दिया है। और यहाँ पर मैंने डहेलिया और क्रिसेंथियम दोनों की कटिंग लगाई है और बहुत अच्छे से चल रही हैं, अभी बिल्कुल भी मुरझाए नहीं हुई है। और इनमें भी पानी का स्प्रे करती रहती हूँ, तो मैंने इसी तरह से कटिंग लगा के रखी है अपनी। और आप भी चाहे तो कटिंग लगा सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है बिल्कुल उसको छाया में ही रखिए, बिल्कुल ऐसे जैसे ये देखिए यहाँ पे मेरे पूरे इंडोर प्लांट्स है और इन्हीं के बिल्कुल आसपास मैंने ये सारी कटिंग्स को रखा हुआ, ताकि इनका जो ह्यूमिडिटी मॉइस्चर इनको मिलता रहे, ताकि इसमें बिल्कुल जो गर्म हवाएँ और लू वगैरह चल रही है, वैसे थोड़ा मौसम अभी ठीक है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आप भी चाहे तो लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर आप एक महीने बाद लगाइए, जून के लास्ट वीक से लगाना शुरू करिए, तब भी आपकी कटिंग बहुत अच्छे से चल जाएंगी। तब तो बारिश होने लगेगी अच्छे से, तो फिर कटिंग चलनी ही है फिर। तो अगर आप और जल्दी प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कटिंग लगा सकते हैं। यहाँ देखिए बिगोनिया की कटिंग मैंने लगाई थी, ये मेरा इम्पेशन का प्लांट ही थोड़ा ख़राब हो गया है, और इसी में देखिए इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, कटिंग्स लगाई थी एक एक। और यहाँ पर भी बहुत सारी कटिंग लगाई थी लेकिन दो कटिंग बची हैं, बाकी ख़राब हो गई। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी कटिंग हमारी चल जाए, कुछ कटिंग हमारी ख़राब भी हो जाती है, इतनी सारी कटिंग। इसलिए जब भी आप कटिंग लगाएं आप कम से कम तो थोड़ी ज़्यादा सी कटिंग लगाएं, कम से कम 6, 7, 8, 10 ऐसी कटिंग लगाएं। तो सारी नहीं चलेंगी लेकिन उसमें से 1, 2, 4 कटिंग तो चल ही जाती है। तो कभी कभी यही होता है, अगर आप लोग जैसे 1-2 कटिंग लगाते हैं और वो नहीं चल पाती तो आप लोग निराश हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाइए, उसमें से कुछ ख़राब होगी लेकिन कुछ चल जरूर जाएगी। तो बस यही मेरा बताने का रीज़न था कि आप लोग कटिंग लगाइए और खूब सारे ढेर सारी कटिंग्स लगाइए, खूब सारे प्लांट्स बनाइए अपने घर में फ्री के बिल्कुल। तो अभी आप इस तरह से लगा सकते हैं कुछ भी कटिंग। यहाँ देखिए मेरे सारे क्रोटन के प्लांट हैं जिनको मैं रेनी सीजन में कटिंग से लगाऊंगी, और बाकी के जो नीचे से प्रून कर दूंगी उनमें अच्छी ग्रोथ होगी तो ठीक है, नहीं तो जो न्यू प्लांट बनेंगे मैं उनको रखूंगी, बाकी को फिर देखूंगी हटा दूंगी। और इनमें भी देखिए स्पाइडर, ये वाइट फ्लाइज का अटैक हो रहा है इसमें भी। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।